हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि न्यू सेशन स्टार्ट होने वाला है अप्रैल से, तो बच्चों को क्लास नर्सरी में क्या क्या सिखाया जाता है वो सब आपके लिए मैं लेकर आई हूँ, जिससे कि आप पूरे सेशन की प्रिपरेशन अभी से कराना स्टार्ट कर सकें। तो सबसे पहले आता है इसमें ट्रेसिंग डिफरेंट लाइन्स, फॉर एग्जाम्पल स्टैंडिंग लाइन्स, स्लीपिंग लाइन्स, स्लैंटिंग लाइन्स एंड कर्व लाइन्स। उसके बाद आता है फिल द डॉट्स यूजिंग लाइन्स। लाइन्स का यूज करके डॉट्स को फिल किया जाता है, कंप्लीट किया जाता है। अल्फ़ाबेट्स इन कैपिटल लेटर्स, ए टू जेड अल्फ़ाबेट सिखाए जाते हैं, और जब कैपिटल लेटर सीख जाता है बच्चा, उसके बाद उनको अल्फ़ाबेट्स इन स्मॉल लेटर्स भी सिखाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है मैच द लेटर्स, इसमें मैचिंग सिखाई जाती है, कैपिटल लेटर्स टू कैपिटल लेटर्स भी मैच कराए जाते हैं और कैपिटल लेटर्स टू स्मॉल लेटर्स भी मैच कराए जाते हैं। उसके बाद आता है व्हाट कम्स आफ्टर, मींस जैसे ए अल्फ़ाबेट है तो उसके बाद का लेटर क्या होगा, और व्हाट कम्स बिफोर, जैसे जी है तो जी से पहले क्या आता है, तो बिफोर होता है वो। व्हाट कम्स बिटवीन, बिटवीन में जैसे ए बी सी, तो उस तरीके से क्या होता है, वहाँ पर बीच वाला जो लेटर होगा वो मिसिंग होगा, तो वहाँ पर भी उसको कंप्लीट कराया जाता है। अभी मैं आपको ये सारी चीज़ें एक वर्कशीट में समझा दूंगी कि किस तरीके से दिया जाता है। नेक्स्ट आता है सर्कल द करेक्ट लेटर। करेक्ट लेटर मीन्स जैसे कुछ उल्टे सीधे लेटर्स दे दिए जाते हैं, फिर उसमें करेक्ट लेटर को सर्कल करना होगा, और उसके बाद बच्चों को डिक्टेशन ज़रूर कराएं। डिक्टेशन में क्या होता है कि बच्चा जो भी लेटर है वो जो बोल के लिखता है वो बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर बच्चे को अल्फ़ाबेट्स ईजीली बोलने से समझ में आ जाएंगे तो वो आइडेंटिफिकेशन उसको बहुत जल्दी इम्प्रूव हो जाएगा। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर स्टैंडिंग लाइन्स बनाई हुई हैं और ये स्लीपिंग लाइन्स हैं, इन्हें हम स्लैंटिंग लाइन्स बोलते हैं, लेफ्ट और राइट, और ये कर्व लाइन्स होती हैं। तो इस तरीके से आप बच्चों को करना सिखाएं पहले, और फिर उसके बाद उनको एक डॉट्स में कंप्लीट लेटर बनाना भी सिखाएंगे। उसके बाद मैचिंग, इस तरीके से यहाँ पे मैंने कैपिटल लेटर्स का एग्जाम्पल दिया है, आप इसमें कैपिटल और टू स्मॉल लेटर्स की भी मैचिंग करा सकते हैं। जैसे जैसे बच्चा सीखता जाएगा वैसे वैसे आपको उसकी प्रोग्रेस के अनुसार ही आपको प्रैक्टिस करानी है। अगर बच्चे की कैचिंग पावर अच्छी है तो आप तेज़ी से और भी अच्छी अच्छी चीज़ें भी उसको वर्कशीट वगैरह बना के करा सकते हैं। उसके बाद आता है आफ्टर, बिफोर और बिटवीन। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे मैंने ए, ए के बाद क्या आता है बच्चा लिखेगा, फिर डी के बाद क्या आता है, एफ के बाद क्या आता है, इस तरीके से कराएंगे। और बिफोर में भी सेम ट्रिक अपनानी है, एफ से पहले क्या आएगा, एच से, सॉरी एफ से पहले क्या आएगा, एच से पहले, एच से पहले क्या आएगा, इस तरीके से। और यहाँ पर जो मैंने कराया है ये बिटवीन वाले हैं, जैसे बिटवीन में लेटर्स के बीच में दोनों तरफ लेटर लिखा है उसके बीच में कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा वो बच्चों को सिखाना होगा। उसके बाद आता है सर्कल द करेक्ट लेटर्स जो मैंने बताए थे, जैसे यहाँ पे मैंने उल्टे सीधे लेटर्स लिख दिए हैं, तो उसमें से जो करेक्ट लेटर होगा वो बच्चे को आइडेंटिफाई करके उसमें सर्कल करना होगा। तो इस तरीके से बच्चों को ये इंग्लिश के सिलेबस में सारी चीज़ें कराई जाती हैं। नेक्स्ट आता है सब्जेक्ट मैथ्स, मैथ्स का देख लेते हैं। फर्स्ट टॉपिक इसमें वही रहेगा सेम, ट्रेसिंग द लाइन्स, इसमें भी ट्रेसिंग करके ही बच्चों को सिखाया जाएगा। उसके बाद काउंटिंग सिखाएंगे 1 to 50 तक, और उसके बाद आगे भी आप बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आता है फिल इन द ब्लैंक्स, बच्चों को फिल इन द ब्लैंक्स कराए जाते हैं। काउंट एंड राइट, बच्चों को काउंटिंग पहले कुछ पिक्चर्स को दे दिया जाता है और उसके बाद उनको उनको बच्चा काउंट करके लिखता है। मैचिंग द नंबर्स, मैचिंग कराई जाती है। सर्कल द करेक्ट नंबर, करेक्ट नंबर को पहचान कर वो सर्कल करेगा। उसके बाद व्हाट कम्स आफ्टर, बिफोर और बिटवीन, ये बिल्कुल सेम मेथड होता है जैसे कि मैंने अभी इंग्लिश में बताया था, यही चीज़ें मैथ्स में भी काम आती हैं। उसके बाद आता है बैक काउंटिंग, बच्चों को पहले 1 to 50 तक रेगुलर काउंटिंग कराइए और उसके बाद उनको बैक काउंटिंग कराइए 50 to 1 तक। उसके बाद बच्चों को डिक्टेशन बोलनी है। डिक्टेशन मीन्स वही चीज़ है कि कोई भी नंबर आप बोलिए और बच्चा उस नंबर को उसी हिसाब से लिखे कि क्या नंबर बोला गया है। उसके बाद बच्चों को
अगर बच्चे की कैपेबिलिटी है इतनी कि मतलब बच्चे की कैचिंग पावर अच्छी है और बच्चा इम्प्रूव कर रहा है, तो आप उसको नंबर नेम्स भी सिखा सकते हैं। स्टार्टिंग में आप 1 to 20 तक सिखाइए और उसके बाद आता है शेप्स नेम। शेप्स भी बच्चों को नर्सरी क्लास में बता दी जाती हैं, उनकी स्पेलिंग्स और उनकी पिक्चर्स जो है वो आइडेंटिफाई कराई जाती हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लेके बनाया हुआ है, जैसे ये पिक्चर्स बनाई हुई हैं तो बच्चा इनको काउंट करके लिखेगा 1 2, यहाँ पे 2, 1 2 3, 3, 1 2 3, 4 4। तो इस तरीके से करा सकते हैं आप। और ये इसकी मैचिंग हो गई कि जैसे यहाँ पे 2 पिक्चर्स बनी हुई हैं तो बच्चा यहाँ पे नंबर ढूंढेगा कहाँ पर बना हुआ है, फिर उसको वो मैच कर देगा। उसके बाद ये है करेक्ट नंबर के लिए, सर्कल द करेक्ट नंबर। तो यहाँ से नंबर आइडेंटिफाई करेगा कौन सा करेक्ट है और उसके बाद उसको वो सर्कल कर देगा। सेम ये मेथड वही मैंने लिखा है, आफ्टर, बिफोर और बिटवीन, जिस तरह से मैंने अभी बताया था, सेम यही चीज़ हम मैथ्स में भी कराते हैं। और ये बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होती है, क्योंकि इनके बिना बच्चा आगे की काउंटिंग और पीछे की काउंटिंग मतलब आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि कौन से लेटर नंबर के बाद या कौन से लेटर के बाद क्या आने वाला है। उसके बाद आता है, ये मैंने कुछ शेप्स बनाई हैं, स्टार्टिंग में बहुत इजी शेप्स ही कराई जाती हैं, वैसे तो बहुत सारी शेप्स होती हैं बट आप स्टार्टिंग में 5 or 6 ही शेप्स करा सकते हैं। तो इस तरीके से आप मैथ्स की वर्कशीट की प्रिपरेशन करा सकते हैं। नेक्स्ट आता है सब्जेक्ट हिंदी। सबसे पहले बच्चों को अ से अंग तक स्वर सिखाए जाते हैं, फिर उसी तरीके से खाली स्थान भरो, फिर मिलान करो यानी मैचिंग कराई जाती है, फिर चित्र देखकर अक्षर से मिलाओ, सही अक्षर पर गोला लगाओ, चित्र देखकर पहला अक्षर लिखो और उसके बाद इमला कराई जाती है। तो ये भी पैटर्न बिल्कुल सेम ऐसा ही है जिस तरीके से मैंने इंग्लिश में बताया था, मैथ्स में बताया था, तो बच्चों को आप इस हिंदी में भी उसी तरीके से प्रैक्टिस करा सकते हैं। उसके बाद आता है सब्जेक्ट जीके। यहाँ पर बच्चों को कुछ नेम सिखाए जाते हैं, जैसे फ्रूट्स नेम, वेजिटेबल्स नेम, एनिमल्स नेम, बर्ड्स नेम, फ्लावर्स नेम, कलर्स नेम, शेप्स नेम और राइम्स इन इंग्लिश एंड हिंदी। बहुत सिंपल सिंपल राइम्स सिखाई जाती हैं जो बच्चों को आनी चाहिए, ओरल में बच्चा इजीली सीख लेता है, एक्शन वगैरह करके भी आप उनको प्रैक्टिस करा सकते हैं। तो ये सारे नेम्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। स्टार्टिंग में आप 5-5 कराइए, बाद में आप 10 भी करा सकते हैं, वो धीरे धीरे आप बढ़ा सकते हैं उसको। नेक्स्ट आता है सब्जेक्ट EVS। सबसे पहले बच्चों को माई सेल्फ आना चाहिए कि माई सेल्फ में उसका खुद का इंट्रोडक्शन कि माई नेम इज़, माई फादर्स नेम इज़, माई मदर्स नेम इज़, ये सब उसको पता होने चाहिए। उसके बाद माई फैमिली, एक छोटा सा टॉपिक आता है जिसमें बच्चों को फैमिली के बारे में भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है गुड मैनर्स। बच्चों को गुड मैनर्स सिखाई जाती हैं, बॉडी पार्ट्स नेम सिखाए जाते हैं और इसके अलावा वोकैबुलरी इन डेली यूज, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो बच्चा अपनी डेली लाइफ में यूज़ करता है, तो उनको आप खुद भी बोलकर सिखा सकते हैं और जैसे बच्चा स्कूल में जाता है तो टीचर्स भी उनको यही वर्ड्स जो है सिखाते हैं, तो बच्चा थोड़ा इंग्लिश बोलना भी सीखता है और उसको उनके सेंस भी पता चलते हैं कि किसका क्या मीनिंग है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये है गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, कुछ ये वर्ड्स हो गए। उसके बाद सिट डाउन, स्टैंड अप, कम, गो, इन, आउट, राइट, लेफ्ट, ये सब ऐसे कॉमन वर्ड्स हैं जो बच्चे को स्टार्टिंग से ही मतलब समझ में आने चाहिए। ओपन, क्लोज, गुड, बैड और सबसे लास्ट में सॉरी, प्लीज़, थैंक यू, ये भी बहुत कॉमन वर्ड्स हैं जो कि बच्चों को सिखाए जाते हैं। तो पेरेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इसमें जो कंटेंट है वो समझ में आ गया होगा। तो बच्चों को अगर आप इस तरीके से सिखाएंगे तो बच्चा बहुत आसानी से सारी चीज़ें सीख पाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।